बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आपको पता है भैया, हम आए थे एसएस वर्ल्ड, काफ़ी घूमे फिरे, बहुत ही मज़ा आया। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं वापस घर, मामू जी कार लेके आ गए हैं बस। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, टेंशन ना ले। ये आ गई हमारी कार और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। तो मामू जी से पूछ रहे हैं क्या खिला रहे हैं, कोई बात करते हैं इनसे, इधर से चल के पूछते हैं। मामू जी, आपसे एक बात करनी है यार। की करनी? फिर क्या खिलाने का प्लान है? पिज्जा खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? मतलब के मुझे लग रहा है कुछ आप खिलाएंगे, मतलब के 8000 जो मर्जी खिला दो, जो मर्जी खिलाते हैं। 8000 रुपए लगा के इधर आए हैं हमारे, हमको कुछ खिलाने के लिए। अब कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट? वो तो मैं पुत्र मिठाई खवाती चलो भाई, कुछ ना कुछ तो खाएंगे आज। फिर अभी फिलहाल बाहर निकल रहे हैं, फिर से बहुत ही मुश्किलों से मामू जी और बाकी सबको मनाया। यहाँ से ले रहे हैं हम यू टर्न और हम जा रहे हैं। आकिब भाई कहाँ जा रहे हैं भाई? मनाया तुमने पूछा, मैंने मनाया आपको खाने पीने के बारे में, लेकिन आप कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, ये तो आप ही बताएंगे ना। है मामू जी, बताए फिर। मेनू आप नहीं पता, मैंने तो दसेगा तो बचाना। मैकडोनल्ड, KFC या फिर डैडी सिंगर? डोमिनोज। डैडी सिंगर आ सही लो, फजी रफजी सही रलदा यार। पर तो लपड़े सिर्फ सिंगर ने, तो कोई टेंशन नहीं, ऐसी सिंगर खा के आन के और किसी को तो कुछ आका लांगे नहीं, लेके जानी तुझे घर खिला के जानी उन्होंने। चलो भाई चलते हैं फिर डैडी सिंगर खान। अभी यहाँ से ना सीधा जा रहे थे हम, फिर आकिब भाई ने वापस यू टर्न। मामू जी, मुझे लगता है आकिब भाई को कुछ खिलाने पिलाने का प्लान नहीं, वो आपकी गाड़ी का ना पेट्रोल खत्म करना चाहते हैं। यू टर्न नहीं खिला रहा था और कुछ खिला नहीं दिया आकिब भाई, या कुछ खिलाए, यू टर्न ना वो खिलाए। उल्टी रोड पे डाल लिया बस, हमने यहाँ से ना इधर चले जाना है। बस हम पहुँचने ही वाले हैं, यहाँ ही कहीं है डैडी सिंगर। कहाँ है पापा सिंगर? अभी हमने ना डैडी सिंगर खाना, तो हम ना इस तरफ से आ रहे थे और आकिब भाई आगे देखो कितना ले आए, यहाँ से अब यू टर्न लेके ना वापस जा रहे हैं इस जगह। मामू जी सच्ची ये यू टर्न नहीं खवाडे आज, समझो ना समझो, यू टर्न नहीं खा लेने, कुछ ना कुछ तो खाना ही पैना है भाई। अभी वापस चलते हैं, यहाँ होगा डैडी सिंगर। अभी यहाँ आ गए हैं भाई डैडी सिंगर वालों के पास, तो यहाँ से बर्गर खा के जाते हैं और क्या सिंगर बर्गर खाते हैं। ये ना ये कार लेके चले जाए और मैं यहाँ का ठहरा ठहरा और रोक लो भाई, रोक लो। तो अभी यहाँ आए हैं, तो हमने भाई ऑर्डर दे दिया बर्गर का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिंगर बर्गर कैसे बनाते हैं यहाँ पे, बहुत ही कमाल का करके बनाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। चलो अभी ये पहले वाला बर्गर रेडी हो रहा है, इसके बाद जो हमारे बर्गर हैं ये रेडी होंगे भाई। हमारे साथ बर्गर एक साथ ही बनेंगे मुझे ऐसे लग रहा है, आगे पता नहीं। चिकन के पूरे पूरे पीस, मज़ा ही आ जाएगा आज तो। ये लो भी हमारे बर्गर हो गए हैं रेडी। चलो भी ये हमारे बर्गर रेडी हो गए, 5 बर्गर। ये तो हम मम्मी जब बर्गर के यहाँ बैठ के खाएंगे ना, फैमिली के लिए ना कार के अंदर पकड़ा देंगे अभी। चलो भी बर्गर आ गया, ये हमारी ऑडियंस चटनी के साथ इंतजार कर रही है बस, अब टूट पड़ेगी और क्या। चल भाई बैठते हैं हम लोगों के साथ और यहीं बैठ के खाते हैं। अच्छा, इशाल नहीं खाएगी, चलो ठीक है।
यहाँ तो रख देना हमारे लिए, मैं आकिब साकिब और मामू खाएंगे ना, और ये जो है तीन ये फैमिली के लिए है। चलो भाई अभी फिलहाल के सब खाएंगे ना, खाने के बाद पूछेंगे किस तरह के लगे। अंकल एक 1.5 लीटर पेप्सी देना या स्प्राइट? स्प्राइट स्प्राइट देते हैं बस। स्प्राइट दे दे यार 1.5। चलो अभी ये रही हमारी कोल्ड ड्रिंक, तो इसे भी साथ रखते हैं। मेरा मैं भी खाता हूँ फिर। साकी भाई शुरू करें शुरू करें। हैं जहाँ से हाथ पड़ रहा वहाँ जो भी मजा आएगा खाने में चेक करके देखते हैं। साकी भाई से उठाना कैसे? कोई हाल नहीं, हाथ डालने की जगह ही नहीं बनाई उन्होंने। लता से बात पाएं। हाँ टेस्ट कैसा है? कैसा है मामू जी? वो बर्गर पीछे रहा कि नहीं? बर्गर कैसा रहा जरा वो दिन? अच्छा टेस्ट है कि नहीं? जबरदस्त माहौल। तो भाजी इधर देखो जवाना दे हाल। हैं बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल है। कपड़े से मूल बैठ गया। यार मुझे लगता है मेरे वाली में ना माइनस ज्यादा पीस है। साकी भाई कैसा लगा फिर? मामू जी टेस्टी था ना? कसम से मजा आ गया खाने का, और इतना बड़ा था भाई खाया नहीं था जा रहा, मेरे तो सारे आना सोच से भर गए थे। अभी ना फिलहाल वापस घर जा रहे हैं, बर्गर खाया बहुत ही मजा आया कसम से, इतना बड़ा बर्गर खाया नहीं था जा रहा बोल तो भाई मुश्किल से खाया, और उसके अलावा हाथ सारे ना अभी भी थिंदे वाले हो गए हैं क्योंकि वो इतना बड़ा बर्गर था वो सारी माइनस हमारे हाथों पे लग गई। चलो अभी पेट फुल हो गया है। आपको कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा। कैसा आप बताओ, मैंने आपको खिलाया ये वाला बर्गर मजे का ये वो जो यहाँ से लेके जाते हैं कमर्शियल एरिया से जो जिंगर लेके जाते हैं दूसरा? ये तो कसम से बहुत ही कमाल का था, उससे तो 100 गुना कमाल का था, बहुत ही मजे का था। ये कितने का था? 330। और वो सादा मतलब के 150-200 वाला ही होता है। चलो सादा सिंगर जो है 360 रन देंदे। अच्छा हां जी भाई, फिर तो ये तो डील बहुत ही कमाल दी है, ये तो काट पैसे हो तो फिर है भी टेस्टी। मैं जितने तेन लेके जाऊंगा, पिछली बारी मैं फैमिली ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲਪੇੜ ਲਏ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਬਰਗਰ ਕਵਾੜ ਕੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਕਵਾੜ ਕੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਬਰਗਰ, ਉਹਨੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਲਿਟ ਕੈਫੇ ਆਹੋ अभी फिलहाल मामू जी जा रहे हैं कार के ऊपर, और हमने ना कुछ ज्यादा ही खा लिया है तो हमारा हजम नहीं हो रहा। मैं आकिब भाई साकिब और भाई हसनैन ना अब चल के जाएंगे घर, ज्यादा दूर तो नहीं है, करीब ही है घर हमारा, लेकिन हमने सोचा तो ना वाक हो जानी चाहिए। चलो दरवाजा बंद कर दो। हेलो भाई अभी ना हम घर पहुंच गए, मामू जी अभी यहीं हैं। मामू जी आप कार पे हैं फिर भी पीछे रह गए, क्या कर रहे हैं यार आप? तो अभी मामू जी को फिर धक्का लगा के घर लेके क्योंकि मामू जी ने वाक नहीं की ना, इसलिए मामू जी का खाना हजम नहीं हुआ। दर्द करता बेटा। ठीक है हम जाने हैं, जाके आराम करने हैं, सोते हैं फिर, और व्लॉग का करते हैं यहीं पे आएंगे। तो मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।